हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को, पाइए चैनल से जुड़े लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। नमस्कार मित्रों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद दीपक सर। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको जॉब संबंधी अपडेट के अतिरिक्त किसी न किसी चीज़ का प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किया जाता है, जैसे UPSI, BSI, SSC CGL, SSC CHSL, तो सारे सेट आपको यहाँ मिलेंगे। तो आपसे निवेदन है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नीचे एक लाल बटन दबी बनी होगी उसको दबाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मित्रों, एक बड़ी खबर आ रही है कि जो है लेखपाल के लिए 4000 पदों की वैकेंसी आने वाली है, वो जल्द आएगी। आइए इसको पूरी तरीके से पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, निकाय चुनाव के बाद 4000 राजस्व लेखपाल की भर्ती की जाएगी। राजस्व परिषद भर्ती की योजना तैयारी कर रहा है, भर्ती लिखित परीक्षा के जरिए कराई जाएगी। राजस्व परिषद के एक अधिकारी के अनुसार सूबे में इस समय लेखपाल के करीब 3000 पद खाली हैं। इसके अलावा लेखपालों की पदोन्नत का ज़्यादा अवसर उपलब्ध कराने के लिए पिछले दिनों राजस्व निरीक्षक की सीधी भर्ती की व्यवस्था खत्म कर दी गई थी। अब राजस्व निरीक्षक के सभी पद पदोन्नत से ही भरे जाएंगे। लेखपाल की राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नत से हिस्सेदारी बढ़कर 74% हो गई है। तय योजना के हिसाब से कार्रवाई आगे बढ़ी तो करीब 1000 लेखपाल दिसंबर तक राजस्व निरीक्षक बन जाएंगे। इसके करीब 1000 पद और खाली हो जाएंगे। इस तरह कुल लेखपाल के कुल 4000 पद उपलब्ध होंगे। अधिकारियों ने बताया है कि परिषद रिक्त पदों को लंबे समय तक खाली रखने में के पक्ष में नहीं है। वर्षवार रिक्तियों के हिसाब से भर्ती की योजना है। निकाय चुनाव का आचार संहिता दिसंबर से पहले हफ्ते तक संपन्न हो जाने की संभावना है। तब तक भर्ती के लिए शासन की भी अनुमति सहित औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी। आचार संहिता खत्म होने के बाद जो पद है वो आपकी वैकेंसी आ जाएगी। तो मित्रों, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये दिसंबर महीने में ही जो लेखपाल के पद हैं वो आने की संभावनाएं बिल्कुल 100% हैं। तो जो लोग UP लेखपाल के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ, क्योंकि हम लगातार आपको बताते रहेंगे कि लेखपाल के लिए सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है आपको, प्रैक्टिस सेट आदि सब उपलब्ध कराते रहेंगे। तो प्लीज़ निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।